YouTube पर कोई पैसा नहीं मिलता है ना। बहुत कोई बोलता है कि YouTube पर कोई पैसा ही नहीं है, सब कोई मजाक बनाता है यूट्यूबर्स का। अभी देखो आपका आंख जो है ना खुला रह जाएगा और भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। 22,000 मात्र सब्सक्राइबर कितना है, 22,000, और लास्ट 28 दिन का सिर्फ एक महीना का कमाई कितना है, 3,02,000 रुपया। सब्सक्राइबर कितना है भाई, ओनली 22,000, और महीने की कमाई कितना है, 3,02,000। और 3,02,000 सिर्फ इस महीने का नहीं है, पिछला महीना देखो, उसके 3-4 महीना देखो। अभी मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं गया, अब आप लोग देखो, यहाँ पर 3 लाख इस महीने में आया था, फरवरी में 3,36,000 रुपया, फिर आया था जनवरी में 4,24,000, दिसंबर में 3,70,000, नवंबर में 2,99,000 और अक्टूबर में 2,29,000। हर महीने एवरेज 3 लाख रुपया पैसा आ रहा है, और सब्सक्राइबर कितना है, सिर्फ 22,000। आप लोग जो सब्सक्राइबर पीछे भागते हो ना कि भाई सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सब्सक्राइबर कभी कभी मैटर ही नहीं करता है। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि यूट्यूब पे मैटर करता है तो एक चीज, कैटेगरी और आपका कंटेंट, आप क्या कंटेंट बना रहे हैं। अभी मैं और भी डिटेल कुछ बताऊंगा इस चैनल के बारे में, सब कुछ मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोग मिलो शिवम भाई से, जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये यूपी में इनका घर है और यूपी से ही आए थे मिलने के लिए, और मैंने जब इनका चैनल देखा ना भाई, तो मैं खुद शॉक्ड हो गया कि सिर्फ 22,000 सब्सक्राइबर में 3 लाख महीना कैसे कमा सकता है कोई। यहाँ तक कि मैं बता दूं, मेरा जो मंथली इनकम है ना, मेरा 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मैं ये बता देता हूँ। जबकि सब्सक्राइबर इनका सिर्फ 22,000 है और मेरा 5 मिलियन है, 50 लाख। तो सब्सक्राइबर के पीछे मत भागो। अभी शिवम भाई जो हमारे साथ बैठे हैं, जो चैनल का ओनर है, वो खुद आपको बताएगा कि कैसे कैसे इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया और ये यूट्यूब पे आखिर ऐसा क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं जिससे इसका इतना ज्यादा पैसा बन रहा है। तो शिवम भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पर। थैंक यू भाई। थोड़ा सा सिर्फ अपने बारे में बता दो, जैसे कि आपका नाम शिवम है, पढ़े लिखे आप कितने हो? 12th कर लिया मैंने। 12 कंप्लीट है? 12 भाई का कंप्लीट है। पापा क्या करते हैं? पापा आटा चक्की पे काम करते हैं, किसी की शॉप पे। मतलब अभी भी करते हैं कि छोड़ दिए? अभी भी करते हैं, मतलब मना करा था लेकिन करते हैं। वो नहीं, उनको करने देना, ठीक है, मना नहीं करना है। बाकी देखिए, इनके पापा आटा चक्की में काम करने वाले हैं। मैक्सिमम आपको मैं ऐसे यूट्यूबर से मिलाता हूँ जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आपको हाई फाई नहीं मिलेगा, और ऐसे यूट्यूबर से इसलिए मिलाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर में जुनून और जज्बा होना चाहिए। आपका भाई ये चैनल कितना दिन हुआ, कितना दिन से काम कर रहे हैं? मैं इस चैनल पर 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। पैसा आना कितना दिन से शुरू हो गया? 9 महीने में तो चैनल मोनेटाइज हुआ था। 9 महीने में चैनल मोनेटाइज हुआ था। हाँ। आप पिछला 6-7 महीने से आप कमा रहे हो। हाँ। अब पहला मंथ आपका कितना पेमेंट आया था? पहला मंथ में पहले दिन तो भैया मेरे 36 रुपए बने थे बस। एक दिन में जब मोनेटाइज हुआ था पहला दिन, उस दिन सिर्फ 36 रुपया बना था। उसके बाद पहला मंथ में पेमेंट कितना आया? उसके बाद 2 महीने में 8,000 रुपए बने थे। 2 महीने में 8,000 रुपया बना। देख रहे हो ना क्या क्या सीन होता है यूट्यूब पे। तुरंत से जो आप बोलते हो ना कि तुरंत हम लोग लाख रुपया पैसा पीटेंगे, यूट्यूब तो पैसा का पेड़ है, हर कोई सुनता है, हर कोई बोलता है, हम भी बोलते हैं पैसा का पेड़ है, लेकिन उस पैसे के पेड़ को बड़ा करने में जो मेहनत लगता है ना, वो सब कोई नहीं कर पाता है। इस भाई का मोनेटाइज होने के बाद पहला दिन आया था सिर्फ 36 रुपया, और पहला 2 महीना लगा पहला पेमेंट आने में, और कितना पेमेंट आया, सिर्फ $100, 8,000 रुपया है ना। अब इस अभी जो आप करंट का अभी मंथ का आप जो अर्निंग देख रहे हो, एक एक महीने में 3-3 लाख रुपया आ जा रहा है। तो अगर ये भाई सोचते हैं कि भाई एक दिन में 36 रुपया आया, तो उस हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करता 36 × 30, तो एक महीने में कितना हो गया भाई, मात्र 1,000 रुपया। 36 × 30 कितना होगा, एवरेज अप्रोक्स 1,000, तो 1,000 महीना में आता। तो भाई सोचता भाई यूट्यूब फिट्यूब साला बेकार, करना ही नहीं है यूट्यूब, तो फिर ये 3 लाख महीना नहीं कमा पाते। और सब्सक्राइबर के पीछे भाई कभी भागे ही ना। सब्सक्राइबर ने बढ़ता ने घटता कोई मतलब नहीं, उससे पैसा तो आ रहा है ना, 22,000 रहे या 22 लाख रहे, मेन जो है हमारा मेन मकसद यूट्यूब पे क्या होता है, पैसा कमाना। और पैसा आने के बाद बहुत कोई का शौक होता है कि फेम भी कमाना है। अब फेम सबको मिलता है, बहुत कोई को नहीं भी मिलता, लेकिन हाँ मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो पैसा है। जितना हमारा सांस इंपॉर्टेंट है ना जिंदा रहने के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पैसा है। बहुत कोई बोलता है कि पैसा कोई काम का नहीं, पैसा से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन पैसा से ही सब कुछ मिलता है, ये भी रियलिटी है। अभी ये कपड़ा आप पहन के हो तो कहां से आया, पैसा है। आप दुकान में जाकर मांगोगे देगा आपको फ्री में, कोई लात मार के हटा देगा, बोलोगे जाओ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, भाग जाओ यहां से ना भाई, कुछ गलत बोल रहे। तो पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा है तो आप अपने जितने भी शौक है उसको भी पूरा कर सकते हो। देखिए भाई के पास भी आईफोन है, अभी मेरे हाथ में था, ये कौन सा आईफोन है भाई, 15 है, लेटेस्ट वाला। तो अब आप ये बताओ यूट्यूब पे आपको आने का कैसे मतलब ये हुआ कि यूट्यूब पे आना है? भैया यूट्यूब पे आने का कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि पैसा भी कमाया जाता, कुछ पता नहीं था मेरे को। बट कुछ ऐसी स्थिति आई थी मेरी लाइफ में कि मेरे को डिप्रेशन से बाहर यूट्यूब ने निकाला, मतलब मैं टाइम यूट्यूब पर देने लगा था फिर अपना। अच्छा, तो उन चीजों से बाहर निकल गया मैं। तो यूट्यूब के बारे में पता कैसे चला, यूट्यूब से ही वीडियो देख के? हाँ, आपकी वीडियोस देखी थी भैया, आपकी वीडियोस आती थी होम पेज पर ब्राउज फीचर में, फिर चैनल सब्सक्राइब किया था, तो आपके रेगुलर वीडियोस देखी, थंबनेल बनाने सीखे, एडिटिंग करनी सीखी, और भी टाइटल एसईओ करना सीखा आपकी वीडियोस देखकर।
तो वहीं से ही काम करता गया आगे। आप कैसे सीखे थे? वीडियोस देख करके। हाँ, घर पे। हाँ, सुन लो कान खोल के, जो घर पे आ जाते हो ना कि मुनाज भाई ऑफलाइन, हम जैसे ऑफलाइन क्लास देते हैं कि आ जाओ घर पे हम सिखाएंगे बैठा के यहाँ पे, ऐसे नहीं होता है। हम बुलाए थे क्या आपको? नहीं, पहले का हम बता रहे हैं, अभी तो हम बुलाए थे। अभी मेरा इंस्टाग्राम पे भाई के साथ बात हुआ, मैंने इनको खुद बोला कि आइए आपका वीडियो बनाते हैं, आपके साथ इंटरव्यू लेते हैं, लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और पहले ही जो आप आ जाते हो ना कि यूट्यूब के बारे में सीखना है, मनोज भाई सीखना है तो कैसे सिखाएंगे? सीखना है तो घर में बैठ के सीखना है ना, आप घर में ही बैठ के सीखे थे ना जी भैया। ये वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। यूट्यूब के बारे में सीखने के लिए आपको किसी का घर जाने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के बारे में सीख सकते हो आपके ही फोन से, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो से ही आप यूट्यूब के बारे में सीख सकते हो। और यूट्यूब को सीखना बहुत बड़ा बात है क्या? नहीं भैया, बहुत बड़ा तो बात नहीं है। यूट्यूब पे चार पांच मेन चीज है जिसको आपको सीखना पड़ता है। एक है वीडियो कैसे शूट करते हैं, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, बस। और क्या सीखना है यूट्यूब पे? कुछ नहीं सीखना होता है, बाकी अच्छे तरीके से वीडियो अपलोडिंग सीख जाओगे, एसईओ करना सीख जाओगे, काम खत्म। और एसईओ क्या होता है? सिंपल है, एसईओ भी मैंने वीडियो काफी सारे बना रखा है। टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है और सेम उसी चीज का टैग लगाना है। तो भाई का अभी देखिए, अभी सबसे बड़े पॉइंट पे आते हैं कि 22,000 सब्सक्राइबर में, इतना कम सब्सक्राइबर में इतना ज्यादा अर्निंग कैसे होता है? आखिर ये क्या गेम खेल रहे हैं यूट्यूब पे, है ना? ये भी एक गेम है ना, कैसे आखिर इतना कुछ हो रहा है? तभी आप लोगों को सारा काला चिट्ठा मैं खोल के दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी सीखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले कमाऊँ, या फिर मैं नहीं चाहता कि सिर्फ ये भाई मेरे से सीख लिए हैं तो ये भी कमाते रहे चुपके से। आपको भी सिखाता हूँ, आपको भी खुल के सारा चीज बताता हूँ कि आप भी ऐसे कमा सकते हैं। बाकी आपको कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत कम हुआ था? नहीं भैया, मेहनत लगा है ना, लगा है, बहुत कुछ करना पड़ा है, टाइम निकालना पड़ा है, दिमाग लगाना पड़ा है। देखिए पूरा यहाँ पर YT स्टूडियो मैंने ओपन कर दिया है। अभी देखिए इनका मेन क्या है, मेन इनका ये है कि इनका सारा सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो है, सारा सर्चेबल टॉपिक जो लोग सर्च करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम हो गया? काफी सारे लोगों का इंस्टाग्राम पर अभी प्रॉब्लम हुआ था 3 दिन पहले, उस पर वीडियो बना रखा है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद बेस्ट ट्रेडिंग ऐप क्या है, वो वीडियो बना दिया। रास ऐप से पैसा कैसे कमाते हैं, ये सब सारा एप्लीकेशन है जहां से इन्होंने सिखाया कि कैसे पैसा कमाते हैं। आप शॉर्ट बाय करके पॉपुलर पे जाओगे, कौन सा वीडियो आखिर वायरल हुआ तभी आप लोग देखो। बेस्ट ट्रेडिंग ऐप, ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है? देखिए ट्रेडिंग बहुत कोई करता है, ट्रेडिंग मतलब समझ गए ना, ट्रेडिंग मतलब होता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना, बहुत कोई इंट्राडे करता है, पर डे आप स्टॉक में पैसे लगा कमा सकते हैं और बहुत कोई स्टॉक्स में लगाता है। तो इन्होंने बनाया बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है, तो 6 महीने में 656,000 व्यूज आया हुआ है। इंस्टाग्राम पर सर्च करने पर आईडी नहीं आ रहा है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें? देखिए ये कॉमन सा चीज है जो लोगों को प्रॉब्लम होता है और उसके बारे में इन्होंने वीडियो बना रखा है। आप मान लीजिए किसी का इंस्टाग्राम पर आईडी सर्च हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा, तो वो तो चाहेगा ना भाई क्यों आईडी नहीं आ रहा। आपको ये टॉपिक सुनने में लग रहा है कॉमन, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहां तक कि मैं बता दूं, बहुत कोई ना पैटर्न लॉक कैसे इनेबल करते वो भी नहीं पता, बहुत कोई को पिन लॉक कैसे लगाते हैं फोन पे ये भी नहीं पता। आपके लिए कोई छोटा चीज हो सकता है लेकिन किसी के लिए वही चीज बहुत बड़ा चीज हो जाता है। आपको लगता होगा ये क्या है, पिन तो सब कोई सेट कर देगा 4 डिजिट का, लेकिन बहुत कोई को नहीं पता। जीरो नॉलेज भी आप इस पे भी वीडियो बना सकते हैं, फोन पे कैसे पिन लॉक लगाते हैं बनाइए, देखिए चलेगा। तो ये सर्चेबल टॉपिक इसी को बोलते हैं। तो उसी तरह से भाई का काफी सारा सर्चेबल टॉपिक है। आपका सबसे ज्यादा अर्निंग जो हो रहा था वो पहला इसी वीडियो पे, बेस्ट ट्रेडिंग वाला। बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, इस पे मैं दिखाता हूं सबसे ज्यादा पैसा इसी वीडियो ने दिया है। कितना पैसा दे दिया है? 656,000 व्यूज है, मात्र 656,000, मतलब 6.5 लाख के करीब व्यूज है। और देखिए अर्निंग देखिए, अभी आप लोग ना पता चलेगा यूट्यूब का पावर। 16 लाख रुपया, 6 लाख व्यूज, सिर्फ 6 लाख व्यूज पे 16 लाख रुपया, कौन सा जॉब देगा, कहाँ पे आपको मिलेगा बताइए? ज्यादा व्यूज नहीं है, सिर्फ 6 लाख व्यूज है, लेकिन टॉपिक क्या है? ट्रेडिंग ऐप। अब ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पर सिर्फ पैसा का बोछार है। ट्रेडिंग से तो पैसा कमाता ही है, लेकिन ट्रेडिंग जो टैग लग गया, टाइटल लग गया, इस पे क्या है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारा इनका एड वगैरह चलता है और वो हाई CPC एड होता है, ठीक है। इस पर RPM देखो आपको पता चलेगा, 1,000 व्यू पे इनका 2400 रुपया मिला है, सिर्फ 1,000 व्यूज पे 2400 रुपया बना हुआ, देख रहे हो ना। तो ये है यहाँ पर ट्रिक, बाकी ये अच्छे तरीके से SEO करते हैं जिस वजह से ये वीडियो चल रहा है। जैसे वीडियो का टाइटल है बेस्ट ट्रेडिंग ऐप, अब इसका अगर आप लोग टैग्स वगैरह मैं दिखा दूं तो यहाँ पर देखिए टैग्स में मैं चलता हूँ, देखिए टैग बेस्ट ट्रेडिंग ऐप टैग लगा हुआ है, ट्रेडिंग ऐप फॉर बिगिनर्स, बेस्ट ट्रेडिंग ऐप इन इंडिया, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है, रूबिक ट्रेड ऐप। तो इस तरह का टाइटल पे टैग भी लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन भी देख लो कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है ताकि योर क्वेरीज में भी जाकर के सब SEO पे मैच हो जा रहा है, फिट बैठ रहा है। और ये भी भाई ने देखिए मेरे से ही सीखा होगा, है ना, मैंने ऐसे सीखा है। योर क्वेरीज लगा हुआ है, मैं समझ गया कि ये मेरे ही वीडियो देख के सीखा है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी आपका टाइटल है आपको सेम उसी तरह का टैग लगाना है और वही टैग्स आपको योर क्वेरीज में लगा देना है, योर क्वेरीज में, फिर आपका टैग पूरा SEO परफेक्ट बैठ जाएगा, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता वीडियो को। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि इतना कुछ कर दिए तो वीडियो चल नहीं लगेगा, क्योंकि कर तो लाखों लोग रहा है लेकिन सबका वीडियो नहीं चलता। तो इसमें फिर क्या चाहिए आपके अंदर में? पेशेंस,
धैर्य रखना पड़ेगा, वीडियो रेगुलर डालते रहना होगा। कोई ना कोई वीडियो जहां एसईओ में किसी दिन फिट बैठा, आपका किस्मत का ताला उसी दिन खुल गया। तो मेहनत करना है और पेशेंस रखना है। 200-400 भी वीडियो किसी किसी का बनाने के बाद भी वायरल नहीं होता, किसी किसी का 10 वीडियो बनाने से हो जाता है। तो वो आपका क्या है, किस्मत में क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब कब आपके वीडियो को रीच पहुंचा देगा, इंप्रेशन भेजेगा, वो यूट्यूब के हाथ में भी होता है। कोई कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होता। तो जो फिर कोई कोई आ जाता है फिर पर्सन करेगा कि देखिए ना भैया बहुत वीडियो डाल दिए, व्यूज नहीं आ रहा। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर व्यूज आने का कोई ट्रिक रहता तो मैं अपने वीडियो में सब वीडियो में 10-10 मिलियन व्यूज लेके आता। ऐसा होता ही नहीं है ना। हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से वीडियो बना सकते हैं, बाकी व्यूज आएगा नहीं आएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो अपने आप चलता है। यूट्यूब एसईओ बने बैठेगा फिट, वीडियो चलने लगेगा। बाकी भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। चैनल का नाम क्या है बता दो एक बार। शिवम शर्मा टेक, शिवम शर्मा टेक के नाम से इनका चैनल है। यूट्यूब पे सर्च करो आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो 22,000 सिर्फ सब्सक्राइबर है। अब ये वाला वीडियो डालने के बाद पता नहीं कितना होगा। बाकी आई होप सो ये वीडियो से आप लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिला है, काफी कुछ सीखने को मिला है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और बनो तो यूट्यूबर बनो और पैसा छापो। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।